काकू और मैं जा रहे हैं मंगल बाजार, तो देखते हैं। काकू कह रहा है मेरे को मम्मी भटूरे खाने हैं। काकू खाएगा भटूरे और मैं मना कर रही हूँ भटूरे मत खा भटूरे मत खा। काकू नहीं सुन रहा, तो अब देखते हैं इसको लेके देते हैं। ये खाएगा भटूरे और मेरे को एक तो सब्जी लेनी है, और जीआई से भी हालचाल पूछ के आती हूँ। काफी दिन हो गए मिली नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो पूछ आती हूँ जीआई से भी। मंगल बाजार जाती हूँ तो वहीं तक सब्जी लेने जाती हूँ, साथ में मिला 100 रुपए का मैंने ही लिया है। 3 डब्बे ये वाले 100 रुपए के हैं, ये देखो 3 डब्बे मैंने पैक करवाए हैं। तो ये भैया सारा सामान देखो बड़ा भी है, भैया जो पीछे है बड़े बड़े वो भी 100 का है सारा। देखो टब से लेके भैया के पास सारा 100 रुपए का, और बड़ा टोकरे भी है, अच्छा है काफी सामान भी सारा। आप 100 रुपए में ये बास्केट भी, और भैया चॉपर तो गणेश का नहीं है ना? हाँ डस्टबिन में देखो 100 रुपीज का, ये प्याज का सारा जो भी पूरा घर का है वो 100 रुपए का ही है। तो काफी अच्छी चीजें हैं। क्या है? हाँ ये अच्छा। दीदी से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी। हाँ मेरी भी हुई आज, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा ज़ियाद की कैसे है, कहती पहले से फर्क है। हाँ पहले से फर्क है, कहती थोड़ा सा तो आराम है पहले से, लेकिन उसके ना नीचे रैशेज हुए बड़े हैं। हाँ वो बता रही थी, क्रीम वगैरह वो ब्लॉग में भी देखा है मैंने, क्रीम वगैरह लगा रहे हैं उससे, तो उसको आराम है। हाँ वही है ना, बच्चा एक बार बीमार हो जाए तो 5-6 दिन खींच जाता है पूरा। 5 दिन का ही है बच्चे एक बार बीमार। हाँ बच्चा क्या बड़ा बीमार, बड़ा हो जाए तो वीकनेस आ जाती है। 5-6 दिन वो तो है ही परेशानी, या कोई बुखार या कुछ भी होता है दिक्कत आ जाती है। हाँ अब किसी गला गला खराब हो जाए मेरा 3 दिन, तो मेरे दिक्कत। हाँ खाने पीने में भी दिक्कत आ जाती है, सबके हो रही है। कुछ स्पाइसी नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था, दिक्कत है। लेकिन ये तो अब 8 महीने का बच्चा है उसमें, उसको भी क्या हो जाए, कोई ना कोई किसी भी खाने का। हाँ ना कुछ, हाँ बोल भी नहीं सकता बच्चा, क्या बोले बोलता। दीदी भी आ जाएगी एक दिन में, बोल रही थी मैं आ जाऊंगी। हाँ कह रही है एक दिन में आ जाऊंगी, जैसे छुट्टी होगी तब आएगी। हाँ हाँ कह रही मैं आ जाऊंगी, छुट्टी नहीं आऊंगी। हाँ तो जैसे ज्यादा छुट्टी हो जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में वैसे मैं आ जाऊंगी। हाँ मम्मी भी हमें बुला, मुझे बुला रही थी, मैं कहा चलो एक दिन मम्मी पास चल जाती हूँ, मिलाती हूँ कल, कल या परसों जाऊंगी। तो कल परसों रिया देख ले, परसों मुश्किल अगर आ गई तो। हाँ दीदी तो, पर दीदी आएगी अभी घर से मेटेगी 1-2 दिन, तो घर में भी। हाँ घर में भी समय लगता है देखो, आओ तो अभी तो घर ही फैला हुआ है। हाँ और अभी काम वाली तो लगी हुई है, सब कर जाती है। काम कर जाती है। हाँ बच्चों को कपड़े कुपड़े कर दिए, कर दिए। हाँ बस फैल जाता है थोड़ा, फैल जाता है। बाकी डॉगी का सामान हो गया, कुछ हो गया वो रह गया थोड़ा सा। हाँ चलो कोई नहीं। हाँ तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं, और मैंने ना ज्यादा कुछ ही नहीं था सब्जी, एक तो जीआई के पास गई थी, मैंने कहा चलो जैद का पता कर लेती हूँ। तो हाल चाल दीदी भी हो सकता है एक दिन में आ जाए, क्या पता कल भी आ जाए। तो मैंने ना कि ये लिए फूल गाइज, ये देखिए। तो ना सबकी सबको फूल बहुत पसंद है, जिया जी हो गए, पूजा के पापा हो गए, मेरी मम्मी और ये काकू, हम लोग बहुत खुश होकर खाते हैं फूल। पूजा नहीं खाती गाइज। तो इस फूल को क्या है देखो, ऐसे दिखते हैं थोड़े थोड़े कहीं से, ये देखो। और ये ना मटर के साथ बनते हैं, मैं मटर भी दोबारा लाई हूँ। अब बिना मटर के फूल का कोई टेस्ट ही नहीं आता, तो मटर के साथ इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें क्या है कि अभी ना इसके वो है, ये इतने कड़वे होते हैं ना, आप डायरेक्ट इसको एक बार उबाल के नहीं बना सकते, इसको कम से कम भी गाइस 2 से 3 बार उबालने होते हैं। अभी मैं रात को इसको उबालूंगी, मैं आपको बताऊँ। और पूरी रात ये पानी में जैसे रहते हैं, वो क्या होता है उसका कड़वापन निकलता है, फिर हम उसको एक बार धोते हैं, फिर दोबारा उबालते हैं। कई लोग 2 बार उबालते हैं, कई बार 3 बार, अगर लगे कड़वापन ज़्यादा है इसका तो 3 बार भी उबलते हैं, नहीं तो 2 बार तो उबलते ही हैं। एक उबाल आने का कम से कम इसको 15 से 20 मिनट छन्नी रखने के बाद ऐसे छोड़ दो, और लो फ्लेम पे ये उबलते रहते हैं। मैं अभी आपको इसका बताती हूँ। तो जिन लोगों को जैसे कईयों को नहीं आती ये सब्जी बनानी, तो जो इसका सब्जी का है टाइम जरूर लेती है, मेन है उबालने का काम सारा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। नमक डाल के इसको उबालना पड़ता है। और ये गाइस मैंने लिया है 3 डब्बे, तो इसके अंदर देखो स्पून भी है इसका। हाँ ये ना गाइस ये देखो काफ़ी हार्ड है, ठीक है क्वालिटी वाइज भी सही है। और ये 100 रुपये के 3 मिल रहे थे तो मैंने लिए हैं। मेरे को ना अचार उचार डालने के लिए डब्बे थोड़े मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे ले लेती हूँ, इजीली अचार डल जाते हैं इसमें, तो मैंने 3 लिए हैं। इसमें व्हाइट कलर भी था, व्हाइट में क्या था हल्दी लगती है, तो
तो साफ नहीं होते, इसीलिए मैंने लिए ब्राउन कलर के। मैं रस्ते में सोच रही व्हाइट ले लूं, फिर मैंने पूजा के पापा कहते नहीं व्हाइट पीले पड़ जाएंगे, तूने सही किया। तो गाइज ये मैंने धो के इसको फूल को उबलने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक और इसको अच्छे से हिला दूंगी और इसको ना अभी 15 से 20 मिनट एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले इसको धो के अच्छे तरीके से इसको पानी से निकाल के फिर से साफ पानी डाल के एक बार और उबालूंगी, फिर इसको लगाऊंगी तड़का। मैं सुबह उठ के बाद में आपको दिखाती हूँ इसका दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। सुबह मैंने आपको रात को दिखाया था कि मैंने फूल रात को एक बारी उबाल के रखे हैं 15-20 मिनट के लिए, तो सुबह मैंने उसे पानी से देखिए निकाल के दोबारा पानी डाल के उसका कड़वापन निकाल के दोबारा उबलने रखा है और बस इधर साथ साथ मैं लगा रही हूँ तड़का। यहाँ मैंने प्याज चॉप करके रख दी है, अब लगाती हूँ इसको तड़का और साथ साथ मैं डालूंगी मटर। हाँ गाइस मैंने प्याज चॉप करके डाल दी है, साथ अदरक भी डाली है और जीरा, इनका तड़का लगाया है। और गाइस यहाँ साथ साथ ये मैं एक कटोरी डाल दूंगी मटर। गाइस क्या होता है मटर डालने से ना साथ ही साथ इसमें मटर गल जाते हैं, नहीं तो मटर अलग से अगर बाद में डालोगे टमाटर डालने का तो वो नहीं गलते, तो मैंने साथ ही साथ मटर भी डाल दिए ताकि वो भी साथ साथ फ्राई होके गल जाए। जी आती है ये आती है सोहिना के फूल सर्दियों में सिरप, और ये इतनी टेस्टी बनती है मैं आपको क्या बताऊं, सर्दियों के सर्दियां आती हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा चलो पूजा जो आपा बड़े दिन से कह रहे थे मुझे खाने हैं तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ और क्या कहते हैं, और जिया जी को भी बहुत पसंद है और आपको पता है ये माजी थे माजी को भी बहुत पसंद आती थी, जब मैं बनाती थी ना तो वो खाते थे, दीदी की सास को हमेशा भेजती थी मैं, पर कोई नहीं आज मैं जिया जी को भेजूंगी, जिया जी को भी बहुत पसंद है। तो ये कई कई बनाते हैं पर बनती बहुत टेस्टी है गाइस, मेहनत जरूर है, मेहनत क्या है सिर्फ फूल में कड़वापन निकालने में, इससे ज्यादा मेहनत नहीं है। गाइस अब देखिए इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने, और गाइस इसमें क्या है मसाला थोड़ा ज्यादा डलता है और सब्जियों से, जैसे प्याज टमाटर आप भरते के लिए यूज करते हैं ना सेम ऐसे ही बनाना है, मटर वाला भरता बनता है सेम, आप सोच लो बस बैंगन की जगह ये डालना है, सेम सब्जी वैसे बनती है। तड़के में कई लोग दही भी डाल देते हैं, देखती हूँ मेरे पास दही है तो डालती हूँ, नहीं तो दही स्किप भी कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं। तो गाइस मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी दही, तो कल ही मंगाई थी मैंने, तो खत्म होगी लेकिन पड़ी थी, यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब दही। गाइस और इसको लगातार हिलाते रहे कि दही फट ना जाए, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले, तो नमक डालते कई बार ऐसा होता है कि फट जाती है, तो बिना नमक डाले आप डालिए। और गाइस फूल में ना दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं आगे का बाकी आपको दिखाती हूँ, अभी तो मैंने दही डाल के इसको हिला रही हूँ, फिर मसाले डाल के मैं फूल भी निचोड़ूंगी अच्छे से, क्योंकि फूल भी देखिए गाइस उबल चुके हैं और यहाँ मैं इसको पानी से निकाल के अच्छे से मैश कर दूंगी, जैसे पानी निकाल दूंगी और फिर उसको डाल दूंगी इसमें, इसको अच्छे से मसाले में भूनूंगी और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ज़्यादा ड्राई नहीं खाए जाते बिल्कुल, फिर ऐसा लगता है सूखे सूखे हैं, तो थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी और फिर 10 मिनट ढक के पकाऊंगी, उसके बाद ये बन जाए धनिया डाल के बस ये बन जाएगा। गाइस सोहिना के फूल बन चुके हैं, ये देखिए पानी भी सारा सूख चुका है और हल्के हल्के वो हो गए हैं जैसे भी मॉइस्चर, इसको मेरे को ऐसा ही चाहिए था। गैस की फ्लेम करती हूँ बंद और सब्जी हो गई बिल्कुल रेडी, अब मैं करती हूँ रोटी की तैयारी और मैंने भेजना है पूजा के पापा को लंच, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सब्जी और क्या बनाऊं तो मैं वही। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।